हेलो डॉक्टर्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल एशिया नीति एंड दिस इज चंचल गुलजीत। आज हम समझने जा रहे हैं म्यूचुअलिज्म का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, किस किस के बीच का, किस किस फीमेल वास्प और जो अंजीर ट्री है उनके बीच में जो रिलेशन है, कौन सा सहउपकारिता मतलब म्यूचुअलिज्म, या एक तरह से यह कह ले कि ये लव स्टोरी है किस किस के बीच की, फीमेल वास्प और फिग ट्री के बीच के, क्या है लव स्टोरी है, बड़ा ही सीरियस टाइप का रिलेशनशिप है ये। अगर एक ने भी धोखा दिया तो दोनों मरेंगे, एक ने भी धोखा दिया तो दोनों मरेंगे। तो फिर समझना पड़ेगा कि कैसे ये जो सीरियस रिलेशनशिप है दोनों एक दूसरे से कैसे इसको निभा रहे हैं। तो ये है जो फिग ट्री है उसका ये इनफ्लोरोसेंस है, मतलब पुष्पक्रम है। तो ये क्या है जी साहब, इनफ्लोरो इनफ्लोरोसेंस है, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है, अरे जिस पर पुष्प लगते हैं वो पुष्पक्रम होता है। तो इस पुष्पक्रम में तीन टाइप के क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। तीन टाइप के क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ऐसे तीन टाइप के। ये जो ऊपर मैंने ब्लैक कलर से बनाए हैं ये कौन से फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। नीचे जो बनाए हैं वो कौन से हैं, वो फीमेल फ्लावर है। और बीच वाले कैसे हैं, स्टेराइल है, मतलब बंद है। मेल फ्लावर मेल गेमिट बनाएगा, फीमेल फ्लावर फीमेल गेमिट बनाएगा। लेकिन यहां पर पोलिनेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल वास्प की। पोलिनेशन की प्रक्रिया कौन करवाती है, फीमेल वास्प। ये जी साहब, अरे वास्प आपने नाम नहीं सुना होगा तो ततैया नाम सुना होगा आपने, ततैया। ये ततैया भी नहीं सुना होगा तो टाटिया, 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 टाटिया नाम तो आपने सुना होगा ना, वो येलो येलो कलर का सा आता है, वो जो काट लेता है तो फिर वहां पर सूजन आ जाती है, उससे की बात चल रही। हालांकि ये स्पीसीज अलग है, ये वो नहीं है जो आप देखते हो ना, वो काट लेता है, वो हमारे आसपास होता है, वो नहीं है, ये स्पीसीज दूसरी। तो ये जाएगा वहां पोलिनेशन करवाएगा, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, यार मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक दूसरे के पास पास ही तो है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक दूसरे से एक दूसरे के पास पास ही तो है। तो यहां पर सेल्फ पोलिनेशन क्यों नहीं हो सकता, स्व परागण क्यों नहीं हो सकता, किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट क्यों है, किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो वो इसलिए है क्योंकि यहां पर कंडीशन है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटो मतलब पहले, गायनी मतलब लेडी फीमेल, नाम सुना है ना, गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो गायनी का मतलब क्या था, फीमेल से, तो प्रोटोगाइनी। तो यहां पर कौन सी कंडीशन है रे, प्रोटोगाइनी कंडीशन है, मतलब फीमेल फ्लावर पहले डेवलप होता है, मेल फ्लावर बाद में डेवलप होता है, फीमेल फ्लावर पहले डेवलप होता है, फीमेल फ्लावर पहले डेवलप होता है, कौन से कंडीशन है जी साहब, प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटोगाइनी बोले तो फीमेल फ्लावर पहले डेवलप, तो मेल फ्लावर बाद में डेवलप होगा, मतलब मेल गेमिट बाद में डेवलप होगा। तो जब तक मेल फ्लावर डेवलप होगा तब तक तो फीमेल फ्लावर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, तो फिर ये सब निषेचन तो नहीं हो सकता यहां पर। तो यहां पर एक ही तरीका है, क्रॉस पोलिनेशन, मतलब परपरागण, परपरागण कराना पड़ेगा। तो परपरागण करवाने के लिए किस कौन आता है यहां पर, फीमेल वास्प आती है, फीमेल आती है, मेल नहीं आता। अब आप सोच रहे हो कि मेल क्यों नहीं आता भाई, ये जब इसके अंदर एंटर करता है तो एक पोर के थ्रू एंटर करता है, देखिए ऊपर पोर दिखना, इसको बोला जाता है ओस्टियोल। इस ओस्टियोल का साइज इतना छोटा होता है कि इसके अंदर सिर्फ फीमेल ही एंटर कर पाती है,
मेल जो वास्प है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मेल एंटर नहीं कर पाएगा, फीमेल एंटर कर जाएगी। तो ये फीमेल एंटर करेगी साथ, लेकिन एक दिक्कत, ओस्टियोल का साइज इतना है कि फीमेल एंटर कर तो सकती है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा है कि एंटर करते टाइम फीमेल के पंख टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं? पंख टूट जाते हैं। पंख टूट गए तो अब वो जो अंदर गया है वो बाहर नहीं आएगा, जो अंदर गया है वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये अपने यहां पर क्या छोड़ देती है? अंडे छोड़ देती है। यहां पर इसने क्या छोड़ दिया? अपने अंडे छोड़ दिए, अंडे छोड़ दिए। और अपने साथ में ये बाहर से क्या लेकर के आई है? बाहर से प्रागण लेकर, प्रागकण लेकर के आई है, मतलब पोलन ग्रेन लेकर के आई है। तो जो पोलन ग्रेन्स थे वो आकर के किस पर गिरेंगे? फीमेल फ्लावर पर गिरेंगे। तो इसने क्या करवा दिया? पोलिनेशन करवा दिया बाहर से। अभी मैं बताऊंगा कि बाहर से कैसे लेकर के आएगी। तो बाहर से इसने क्या लेकर के आई है? बाहर से पोलन ग्रेन्स लेकर के आई। अंदर एंटर किया तो पोलन ग्रेन तो इसने कहां पर छोड़ दिए? फीमेल फ्लावर पर छोड़ दिए। लेकिन चूंकि इसके पंख टूट चुके हैं ये बाहर तो जाएगी नहीं, लेकिन ये अपने यहां पर क्या छोड़ देती है? अंडे छोड़ देती है, अंडे छोड़ देती है। तो अंडे छोड़ दिए तो फिर इसका क्या होगा? अरे इसका डाइजेशन हो जाएगा अंदर ही, तो ये तो मर जाएगी। अब इसके अंडे किसमें कन्वर्ट होंगे? अंडे जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, लार्वा में कन्वर्ट होंगे। अब उधर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है? सीड बनता है। तो ये लार्वा क्या करेंगे? सीड खाएंगे। लार्वा क्या करेंगे? सीड खाएंगे और मैच्योर क्या बन जाएंगे? मैच्योर बन जाएंगे, मैच्योर बन गए। अब मैच्योर में एक तो मेल होगा और एक, सॉरी, एक फीमेल होगी और एक मेल होगा। अरे जो वास्प है, लार्वा जो मैच्योर बने हैं तो वास्प के ही तो लार्वा ही है। तो जब ये मैच्योर बनेंगे तो इसमें मेल वास्प भी होगी और फीमेल वास्प भी होगी। अब मेल क्या करता है? इसकी दीवारों को तोड़ता है। ये जो है ना, ये जो मेल है वो क्या करता है? इसकी दीवारों को तोड़ता है। और तोड़ता है तो क्या होगा? जो वास्प है फिर वो कहां पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और साथ में कुछ जो प्रागकण है मतलब पोलन ग्रेन्स है वो भी अपने साथ बाहर लेकर के आएंगे। अब ये जाकर के किसी दूसरे फ्लोरोसेंस के अंदर एंटर करेंगे। तो ये बहुत ही ऐसे तगड़ा टाइप का रिलेशन है जहां पर अंदर कौन जा सकती है? सिर्फ फीमेल वास्प जा सकती है। जाती तो है, आती नहीं है। लेकिन एक चीज फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अंदर फीमेल वास्प गई तो ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म का, सहउपकारिता का। तो सहउपकारिता में होता क्या है कि दोनों को फायदा होता है, लेकिन जो फीमेल वास्प है वो मर ही गई तो उसको फिर किस बात का फायदा? उसको तो नुकसान हुआ। लेकिन एक चीज बात, एक बात ध्यान से सुनना आप, कि हम पढ़ क्या रहे हैं? स्पीसीज इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल इंटरेक्शन। जो भी हम फायदा और नुकसान हम बात करते हैं वो स्पीसीज के रिस्पेक्ट में करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल के। अरे एक मर गई तो 100 नए आ गए, एक मरी लेकिन उसके बदले में 100 नए आए, तो स्पीसीज को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फिर एक चीज और आ रही होगी आपके दिमाग में कि यार इसके सीड जो है वास्प खा गई। अरे खा गई तो खा गई, 100 थे, एक आधा खा भी गई तो क्या हो रहा है? लेकिन उसकी प्रजाति जो है वो तो स्टेबल है ना। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और दोनों साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अगर फीमेल वास्प बोले यार मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी रे, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, मत जा, अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो अंडे कहाँ देगी अपने? बाहर देगी तो बाहर तो उनको आकर के कोई भी खा जाएगा। तो मेरे अंदर जो तू अंडे दे रहे ना, वो साइट, वो जगह, वो लोकेशन सबसे सुरक्षित जगह है। अगर तू अंदर आएगी तो तेरे अंडों को मैं क्या करूंगी? सुरक्षित करूंगी। ऐसा कौन बोलती है? ये फिग बोलती है, फिग का जो फ्लोरोसेंस है वो बोलता है। तो ये ऐसे रिलेशनशिप था। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कहीं कहीं पर ऐसा आपने देखा होगा कि ये जो अंजीर का जो फल होता है उसको जनरली पूजा वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि
कि उसके अंदर क्या रह जाते हैं, ये फीमेल वास्प के जो अंडे हैं वो अंदर रह जा सकते हैं, रह जाते हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है कि ये क्या है कि ये तो एक तरह से मांसाहारी वो है, फ्रूट है, तो वो मांसाहारी फ्रूट नहीं हो, उसके अंदर वो कुछ अंडे रह जाते हैं, इसलिए उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यही इसके पीछे का लॉजिक। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन क्यों बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे टॉपिक पहले ही चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी प्लेलिस्ट देखिए यहाँ पर दिख रही होगी आपको, नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए, जिससे कि एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं तो वो गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच।